ओम श्री गणेशाय नमः। आज सोमवार का दिन है। देखिए शिव मंदिर में कौन कौन सा सामग्री देने से क्या क्या होता है, और देवी मंदिर में, ये देखिए मैं शिव मंदिर का आज सोमवार जा रहा हूं, 7 तारीख का, शायद कल 6 तारीख था, मैं गया हुआ था बरमुंडा काली माँ के मंदिर में मेरे परिवार के लिए भेंट चढ़ाने, सामग्री देने। तो शिव मंदिर हो चाहे दुर्गा देवी मंदिर हो, काली का मंदिर हो, आप किसी भी मंदिर में जीवन में एक बार अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम से यह सामग्री भेंट कीजिएगा। भेंट का सिस्टम क्या है, देखिए सामग्री देखते जाइए। यह गरुड़ देव आए, सुप्रीम पावर है, 33 कोटि देवी देवताओं का सुप्रीम पावर गरुड़ देव के अंदर है। ये पीतल का मूर्ति है। हमने सर्वप्रथम एक पॉलिथीन में एक बेलपत्ता और दुर्गा दुब घास रख दिया, उसके ऊपर हमने गेहूं दिया है। गेहूं को कनक कहा जाता, कनक का अर्थ स्वर्ण है, यह पीली सरसों है, सभी मंत्र को सिद्ध करता है। उसके बाद अक्षत दिया है, लक्ष्मी प्राप्तार्थे। उसके बाद मूंग दिया है, घर हरा भरा रखने के लिए। उसके बाद देखिए 2 नींबू दिया है, 2 परिवार के लिए आज कर रहा हूं, सोमवार का दिन है 7 तारीख, इसीलिए मैंने 2 नींबू दिया है, 2 लोहे का सिक्का दिया है, और नींबू में सरसों तेल लगाया है। देखिये सभी सामग्री में हमने कर्पूर थोड़ा थोड़ा लगा दिया है, कर्पूर देना जरूरी है। नींबू, यह आपके जो भी शत्रु हो जन्म कुंडली में, शत्रुओं का बुद्धि विनाश करता, सरसों तेल थोड़ा लगा के ही देना चाहिए कर्पूर। उसके बाद दिया हमने यह आलू पोटैटो, यह सरस्वती ज्ञान प्राप्तार्थ है। उसके बाद हमने देखे तांबा का नाग सर्प दिया है, तांबा का नाग सर्प में हमने यह रक्षा सूत्र मौली को बांध दिया, अच्छे से दिख नहीं रहा लेकिन हमने मौली को बांधा है। यह रक्षा सूत्र जन्म जन्मांतर तक आपके परिवार का रक्षा करता रहेगा। उसके बाद जो जैसा आपको पुष्प अच्छा लगे दीजिएगा। यह सिंदूर है सदा सुहागन के लिए। उसके बाद ये आंवला का फल मिले तो ठीक है, नहीं तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जब आप चढ़ाएंगे तब बेर का अगर फल मिले तो ठीक है, नहीं तो भी ये चढ़ाने के बाद भी कभी भी शिवलिंग में बेर का फल चढ़ा दीजिएगा। ये सभी सामग्री हमने तैयार कर लिया है। अभी हमें शिवलिंग के कहां चढ़ाना है, या कोई जा रहा है उसके हाथ में हम भेज देंगे और बोल देंगे शिवालय में चढ़ा दीजिए। तो शिवालय में देखिए ये हमने दिया है 2 पीतल का गरुड़ देवा है, यह 1 सेकंड में सिद्ध होता है शिवालय में चढ़ने के बाद। 1 सेकंड में किसके लिए सिद्ध होगा, जिसका नाम होगा मैं ये द्रुबादल दुब और बेलपत्र, इसमें थोड़ा कर्पूर भी जो है ये हाथ में मैंने लिया हुआ है, ये सिस्टम है, सिद्ध 1 मिनट में हो जाएगा। वहां देखिएगा जलाधारी में जहां हम जल डालते हैं शिवलिंग में, बाहर जो जाता है जलाधारी, जो हमारा जल बाहर जाता है, वहां अशोक सुंदरी देवी का वास है, और वही अशोक सुंदरी के जगह पे ही हमारे सभी पितृ देवता खड़े रहते हैं। वह अशोक सुंदरी देवी जो है शिवालय, आपके गांव शहर के शिवालय के जलाधारी में, वहां से ही उसके नीचे एक मायावी गर्भगृह है, वहां सुरंग है, मायावी सुरंग, और सीधा स्वर्ग का द्वार तक मानव के आत्मा को ले जाता है। तो वहां चढ़ा के शिवलिंग में थोड़ा टॉच करके वहीं छोड़ देना है। उसके बाद वहां के जो पुजारी जी रहेंगे इसको क्या करना उसका चिंतन वो करेंगे, आपको चिंता करना नहीं है। और मंदिर जब ले जाएंगे पुजारी जी पूछेंगे क्या लाया हो, तो बस बोल दीजिएगा कि शिव जी को कुछ भेंट चढ़ाने आया हूं, बस ऐसा ही बोल दीजिए। क्योंकि उन्हें अगर मालूम रहता शिव मंदिर के पुजारियों को, तो मेरे से पहले वो प्रचार करते वेद शास्त्र समत। दुर्गा देवी महाकालिका देवी, देखिए अंबा देवी मंदिर है वहां प्रथम देवी है महाकालिका देवी, आप अपने क्षेत्र में भी ऐसा कीजिएगा, लेकिन सर्वप्रथम वहां कालिका देवी मंदिर हो तो कालिका माँ को भेंट दीजिएगा, नहीं हो तो दुर्गा देवी के प्रथम देवी महाकालिका देवी उनके चरण में दीजिएगा। उसके बाद ही शिवालय में आप फिर से एक कटोरी करके महीना के बाद, चाहे 2 महीना 6 महीना साल भर के बाद भी, फिर उसके बाद शिवालय, क्योंकि मुझे ये जो विद्या प्राप्त हुआ है ये वरमुंडा भुवनेश्वर में महाकालिका उग्र कालिका दक्षिण कालिका जो देवी हैं उनके मुख से मुझे ये विद्या प्राप्त हुआ है, इसीलिए
जिस देवी ने हमें विद्या दिया है, माने विश्व के हर काली मंदिर दुर्गा देवी के मंदिर में कालिका देवी के पास ही यह विद्या है। यह आलू पोटैटो विद्वान बनाता है। हमने अभी सभी सामग्री कर दिया है, आप भी ऐसा सामग्री कर दीजिएगा। देखिए सरसों तेल हमने थोड़ा डाला है, इसको हम अभी अलग करते हैं। साथ में ये भस्म विभूति भी ले जाऊंगा, शिवालय में शिव जी के मस्तक पर चढ़ा थोड़ा ले जाऊंगा किसी डब्बे में निकाल के। अभी आपको ये पकड़ना है बिल्व पत्र दूब और ये, और जैसे आप कुछ बोलेंगे तो ये भस्म विभूति है, थोड़ा अपने मस्तक पर या नाभि में थोड़ा लगा दीजिएगा, ज्यादा नहीं थोड़ा, ठीक है। उसके बाद अभी आपको यह पीली सरसों थोड़ा लेना है और अभी बोलना है, देखिए मैं आज जिस परिवार के लिए जा रहा हूं, ओम श्री गणेशा नमः महाकालेश्वर अश्विनी रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ देवाय, रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ देवाय, रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ देवाय, प्रभु भुवनेश्वर स्थित आपके मंदिर में मैं ये लेके जा रहा हूं भेंट श्रीफल के साथ, और सभी सामग्री हमने दे दिया है। यह आज हम जो है मित्तल मेरे परिवार के लिए यह भेंट चढ़ा रहा हूं। मित्तल परिवार जो मेरा परिवार है, पदम सेन, नंदलाल, संगीत, सुनील, नेमीचंद, कोमल, निर्मला, संगीता, मंजू, अभिनंदन, दीपा, पारस, प्रेम, आयुष, माधुरी, सिद्धि, ऋषभ, रिया, अनिशा, चांदी, मित्तल सपरिवार, गायत्री नगर के सिंगा, भवानी पटना, बरगढ़, और मैं रहता हूँ भुवनेश्वर में, बाकी सब मेरे भाइयों का परिवार है इनके लिए। और दूसरा जो मैं ये दे रहा हूं, और एक गरुड़ देवा, यह सिमी सेठला है, एल्सा सुबुद्धि, उनके भाई दिनेश सुबुद्धि, उनकी भाई की मिसेस श्रीलेखा सुबुद्धि और उनका बेटा श्रीयांश सुबुद्धि, यह मेरे अपार्टमेंट में ही नीचे रहते हैं। और देखिए मैं जब भुवनेश्वर आया यह अपार्टमेंट में रहने, तो रात को मेरा पूजन कभी 11 कभी 12 बज जाता था, तो इन्होंने ही मुझे 11 12 1 बजे भी रात तक इन्होंने मुझे भोजन दिया। मैंने इनका अन्न खाया, नमक खाया, तो नमक का जो ऋण मेरे ऊपर है तो वह ऋण मुझे जैसे भी वापस उनको करना है देवी देवताओं के माध्यम से। और इनका जो आज मैं अनुष्ठान कर रहा हूं सोमवार के दिवस, एक रुपया भी मैंने इनसे नहीं लिया है, क्योंकि मैंने इनको कहा है कि मैंने आपका नमक खाया है और जीवन भर जब जब भी मेरे परिवार का अनुष्ठान होता रहेगा, जितना संभव होगा आपके परिवार का भी करवा करूंगा। तो देखिए हमने नाम वगैरह इसमें बोल दिया है, अभी क्या बोलना है, हे श्री देवाय, यह सभी सामग्री को आप अपने दिव्य दैविक शक्ति से अदृश्य कर दीजिए तथा हमारे परिवार के लिए लाखों वर्षों तक इसे अदृश्य करके हमारे परिवार के साथ यह घूमता रहे तथा हमारा परिवार का बहन बेटी मां जन्म जन्मांतर तक सदा सुहागन रहे। रक्षा सूत्र रक्षा कीजिए, हमारे पितृदेवता को आप रक्षा कीजिए गरुड़ देवाय के माध्यम से, और अपार सरस्वती का भंडार हमारे मस्तक में जन्म जन्मांतर तक के लिए भर दीजिए, वंश विस्तार होता रहे तथा हमने दुब दिया है, हमारा जो कोई भी दुख संकट आने वाले समय में आए तो आप निवारण करते रहिएगा। यह सब बस बोल के आपको ऐसे छोड़ देना है और शिवालय में चढ़ा देना है। जीवन में आप कुछ करें चाहे ना करें, एक बार यह देवी मंदिर में दीजिए और एक बार शिवालय में दीजिए, कुछ करे चाहे करे आप। देखिए गरुड़ देवाय का काम क्या है, विधि का विधान को बदलना। कई आदमी क्या बोलते हैं, हमारे किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा, ना ये आपका चिंतन गलत है, ये आपका चिंतन गलत है। विधि का विधान को बदलने का, रंग को राजा बनाने का पावर जो है गरुड़ देवाय के हाथ में। तो ये सिस्टम देखिए आपके क्षेत्र में आप कीजिए, अगर संभव ना हो सके तो आप मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिएगा, ज्यादा कुछ मत लिखिएगा, ये हेलो हाय राम राम बिल्कुल मैं नहीं देखूंगा, मुझे समय नहीं रहता। आप बस इतना लिखिएगा, मित्तल जी मेरा नाम मित्तल सुनील है, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूं, कि हमारे परिवार के लिए भी आप गरुड़ देवाय का पूजन करवा के महाकालिका देवी मंदिर में चढ़ा दीजिए। पहले महाकालिका मंदिर में चढ़ेगा, फिर एक महीना के बाद किसी भी शिवालय में चढ़ाऊंगा, जो सिस्टम है सिस्टम मुझे भी मानना पड़ेगा आपको भी मानना पड़ेगा, ये करवा दूंगा। या जीवन में एक बार भी अगर दे देते तो आपके घर में किसी का भी अकाल मृत्यु जन्म जन्मांतर तक नहीं होगा, बड़ा रोग प्रवेश नहीं करेगा,
और मृत्यु के बाद स्वर्ग जाना है ही है, सिस्टम के साथ अगर करते हैं तो आप लिख दीजिएगा हमारा गोत्र ये है, नाम हमारे परिवार के इतने सदस्य हैं, एक परिवार का एक चढ़ेगा। ऐसा नहीं कि आप अपना परिवार का भी नाम लिख दो और बेटी जमाई दामाद का, ऐसा बिल्कुल सिस्टम मैं नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मुझे आगे जो है जवाब देना पड़ता है देवी देवताओं को। तो ये सिस्टम से जो है आप चढ़ा सकते हैं तो ठीक है, और नहीं तो व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिएगा मित्तल जी, और गोत्र ये है, नाम ये है, हम लोग ये शहर में रहते हैं और हमारे लिए आप यह महा अनुष्ठान करवा दीजिए। देखिए मैंने जीवन अपने जीवन में मैंने कभी पूजन पाठ कुछ नहीं किया है, कभी नहीं किया, मैं डायरेक्ट जो मंत्र प्रयोग करता हूं, जो कि कितना पूजन करेगा आत्मी जीवन भर, मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल पूजन करना, बचपन से ही मैं कभी पूजन नहीं करता, डायरेक्ट जो है पावर प्राप्ति का कार्य करता हूं। अब जीवन में कुछ करें चाहे ना करें ये एक बार जरूर कीजिए, मेरा हर एक वीडियो आप बारीकी से देखिए, मैं अनेक रहस्य आपको बतला दूंगा जो कि डायरेक्ट। देखिए ये रुद्राक्ष माला अनेक साधु संतों को आपने देखा है जो कि आपके घर का नमक खाते हैं उनके हाथों में रुद्राक्ष, ये तो शिव जी हैं, स्वयं शिव जी हैं रुद्राक्ष माला, और लेकिन आपको कभी शिवलिंग के बारे में नहीं बतलाएंगे कि शिवालय में जाकर पूजन करो नहीं बतलाएंगे, ये साधु संत जो हैं आपका जो नमक खाते हैं सफेद वस्त्रधारी ये अपने शिष्यों से रुद्राक्ष लेते हैं फल लेते हैं, प्रमाण है मेरे पास, मैं बकवास नहीं करता और ना बकवास प्रवचन देता हूं, ये रुद्राक्ष माला क्या है ये स्वयं शिव जी हैं, लेकिन आपको नहीं बतलाएंगे आपके गुरु जी कि शिव जी के चरण में जाओ जो खेल है शिवालय जलाधार या सुख सुंदरी, और ये फल वह स्वयं लेते हैं और हाथ में हमेशा पकड़े रहते हैं, और इस फल से क्या जाप करते मैं बता रहा हूं आपको, ओम सरस्वती देवी भ्यो नमः, ओम सरस्वती देवी भ्यो नमः, ओम सरस्वती देवी भ्यो नमः, ये फल को हाथ में लेके जाप करते हैं लेकिन आपको कभी नहीं बतलाएंगे, वह भी शिव और सरस्वती का पूजन करते हैं लेकिन आपको नहीं बतलाएंगे। आप देखिए आपके जितने भी गुरु हैं ये सफेद वस्त्रधारी ये रुद्राक्ष माला रखते हैं, क्यों रखते हैं, वेद शास्त्र खोल के देखिए, अगर वो मंदिर आपको रास्ता नहीं दिखाते क्योंकि उनके धर्म की शासन देवी मां पद्मावती वह आपके शिवालय के जलाधारी के नजदीक खड़े हैं, आज सत्य बतला रहा हूं, उनके धर्म के शासन देवी मां पद्मावती खोल दी फिर देख लीजिए, और आपके घर में अगर नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो नर्मदेश्वर शिवलिंग के जलाधारी में, सिर्फ नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा है और दूसरा शिवलिंग आप बिठाओ आप जानो आपका काम, वह शिवलिंग के चारों तरफ आपके कुल देवी देवता पितृ देवी देवता और आपके धर्म के शासन देवी कुल देवी मां पद्मावती भी वहीं रहती हैं नर्मदेश्वर शिवालय, लेकिन बतलाएंगे नहीं। देखिए हमने नमक खाया है यह परिवार का भुवनेश्वर में ऐसा परिवार का, तो नमक का कर्ज हम चुका रहे हैं लेकिन आप तो रास्ता सेवा करते हैं, न जाने क्या क्या उनके लिए आपने अपना जीवन को बर्बाद किया उनके चक्कर में, फिर भी आपको सत्य नहीं बतलाएंगे क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया है, और वो कौन है वो साधु संत जो सफेद वस्त्र धारण किए उनके बारे में बता देता हूं, वह ठोकर खाए हुए इंसान है, वह देवी देवताओं से सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे लेकिन सिद्धि उन्हें शिवजी के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ, शिवजी ने जिसे ठोकर मार के निकाला है वह जो है ये आपको आत्म कल्याण का बकवास प्रवचन देते हैं, उन्हें सिद्धि कोई एक फूटी कोड़ी का सिद्धि नहीं है, वो तो आपको बस एक ही मंत्र पकड़ा दिए और बोले रटते जाओ और आप रट रहे हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं है, भले ही वो आगरा प्रिंटिंग प्रेस में छपा हुआ पुस्तक दो चार पांच लेके घूम रहे हैं गांव, उन्हें एक फूटी कोड़ी का भी सिद्धि नहीं है, उन्हें देवी देवताओं ने ठोकर मारा है, और आप उनके चरण शरण में जा रहे हैं तो आप सोचिए आपका क्या हर्ष आने वाले समय में होगा, आपके शरीर में गुस्सा है, गुस्सा का अर्थ क्या होता है कि आपके आत्मा को किसी न किसी भूत प्रेत राक्षसी शक्ति ने एक धागा में सफेद धागा इसे जैसे रखा सूत्र कहा जाता सफेद धागा में बंधक बनाए के रखा है, चैलेंज के साथ बोल रहे हैं, इसीलिए आपके शरीर में गुस्सा था, गुस्सा को कंट्रोल कीजिए,
पहले अपने आत्मा को जो बंधक है उसको खोलिए। कैसे खोलेंगे? गरुड़ देवा का घर में मूर्ति स्थापना कीजिए और नर्मदेश्वर शिवलिंग और हर रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, आपका आत्मा खुल जाएगा। आपका आत्मा बंधन है इसलिए आप गुस्सा करते हैं, लेकिन ये आपको साधु संत नहीं बतलाएंगे जिसको आपने गुरु बनाया। इसीलिए एक श्लोक कहा गया है, घर का जोगनी जो बना बाहर का जोगी संत। या वीडियो को एक ग्रुप तक या 10 लोगों तक जरूर 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 भेजे, जरूर भेजिए ये वीडियो, क्योंकि मेरा समय हो चुका है, मैं अभी शिवालय जा रहा हूं और आपके लिए भी ऐसा अनुष्ठान करवाना है। एक परिवार के लिए एक लगेगा गरुड़ देवा, बाकी सब सामग्री लगेगा और पुष्प जितना ज्यादा हो सके हो गेंदा का पुष्प ले लीजिएगा, मैं भी रास्ते से लूंगा गेंदा का पुष्प। ये सिस्टम देखिए, ये सिस्टम सब कीजिए, ये गुरुओं के चक्कर में मत पड़िए। मंदिर में जो पुजारी आज अपने आप को जो स्वामी बोल रहे हैं ना, उनसे तो बच के रहिएगा। जन्म कुंडली किसको मत दिखाइएगा, जन्म कुंडली में जैसा भी दोष हो ये कार्य पहले कीजिए, 2 साल का हो जाएगा। पितृ दोषो मातृ दोषो काल सर्प दुकाल सर्प काल सर्प सर्प का अर्थ सांप। गरुड़ देवा का पूजन कीजिए, वह सर्प जो है शांत हो जाएगा। काल इसलिए काल सर्प कहा जाता है, 12 काल सर्प दोष रहता है इंसान के जीवन में। इंसान एक काल सर्प दोष नासिक जाके निवारण करता है, बाकी 11 उसके साथ रहते हैं, 12 काल सर्प दोष रहते हैं। एक ही आप निवारण किए हो, जल्दी से गरुड़ देवा को अपने घर में वास करवा लीजिए। गरुड़ ये तो भगवान विष्णु का वाहन है, जिसके घर में गरुड़ रहे उसके घर में देर सवेर भगवान विष्णु और लक्ष्मी आना ही है। स्थिर संपत्ति प्राप्तार्थे हर क्षेत्र में जय विजय निवेदन है। ओम रुद्र रूपये काशी विश्वनाथ देवन, रुद्र रूपये काशी विश्वनाथ देवन, ओम रुद्र रूपये काशी विश्वनाथ देवन, ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर वर्णम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ओम यज्ञाय कुबेरावे श्रवणा धन धान्याधिपति धन धान्य समृद्धि में दे दया। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जनता स्वास्थ्य स्मृता मतिमति शुभाम ददासी दारिद्र दुख गय हार निकात धन्य सर्वोपकार करना सदार भिता सर्व मंगल मंगल शिवे सर्वार्थ साधक स्वर्णत्र गोरे नारायणी नमस्त दे। ओम ह्रीम बगला मुखे सर्व दृष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम क्लय बुद्धि विनाश हरिम ओम स्वाहा, ओम क्लीम कालिका नमः, ओम क्लीम कालिका नमः, ओम क्लीम कालिका नमः। जय भवानी आदिशक्ति राज राजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी माँ भगवती महाकालिका देवी बरमुंडा महाकालिका देवी रुद्र रूपये काशी विश्वनाथ देवन, रुद्र रूपये काशी विश्वनाथ देवन। देखिये मेरे गुरु जी कोई 2 पांव वाले इंसान नहीं है, मैंने बचपन से ही कहा था ये हमारे शरीर में जितना मशीन है इनके शरीर में इतना मशीन है, मैं इनको कभी भी गुरु नहीं बनाऊंगा। मेरे गुरु डायरेक्ट हैं अखंड ज्योत ज्वाला देवी रुद्र रूपये काशी विश्वनाथ देवन। आप शिव के भक्त हैं, अपने क्षेत्र में जो शिवालय है उसके अंदर आप सरसों तेल से आप ज्योत जलाइए, देखिए उस ज्योत अग्नि में थोड़ा कर्पूर डाल दीजिएगा, थोड़ा बेलपत्र टुकड़ा करके और 2 बोर थोड़ा डाल दीजिए और उस ज्योत का देखिए चमत्कार क्या होता है। लेकिन सरसों तेल का घी का जो आप ज्योत जलाते हैं उससे अरबों गुना ज्यादा शक्ति है सरसों तेल का। और अगर नहीं जल सकता आपके क्षेत्र में तो उड़ीसा राज्य कालाहांडी जिला किसिंगा के नजदीक मेरे द्वारा अग्रोहम आधाम मंदिर निर्माण करवाया गया, वहां मूर्ति स्थापित है श्री गणेश, धन कुए गर्भगृह में सरसों तेल का ज्योत जल रहा है और एक मंदिर है पंचमुखी शिवालय विश्व का दूसरा पंचमुखी शिवालय उसमें सरसों तेल का ज्योत जल रहा है। अवेद माता गायत्री है पंचमुखी नंदी देवा है और अभी निर्माण चल रहा है उसके अंदर गरुड़ देवाय का मंदिर और भगवान विष्णु का। गर्भगृह में सरसों तेल का ज्योत जल रहा है, आपको जितना लीटर भी तेल वहां डलवाना हो 1 लीटर 0.5 लीटर पाओ 100 ग्राम भी हो या हर महीना जो है 8 लीटर तेल भी डलवाना हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। अभी मैं देखे सिस्टम बना रहा था और एक व्यक्ति जो है हमारे भाई साहब जो है मुझे बेफालतू का कॉल करें, आप मुझे लिख दीजिए कॉल मी CALLME, मुझे तो लग रहा आप पढ़े लिखे हैं, कॉल मी बस उतना ही लिख दीजिएगा, मेरे सफिशियंट है और जब मैं फुर्सत में रहूं तो मैं जरूर आपको कॉल करूंगा। यह वीडियो को 10 जनों तक भेजिए ताकि मंदिरों के ये शास्त्री भी जागरूक हो जाए और इनके भक्त भी जागरूक हो जाए। मैं निंदा नहीं कर रहा हूं शास्त्री जी, आपको जगा रहा हूं, आपको जगा रहा हूं।
मुझे कई आदमी बोलते हैं शास्त्रों का निंदा मत करो, गुरुओं का। मैं कहां निंदा कर रहा हूं, दिख नहीं रहा शास्त्रों को। आज IT% हमारे हिंदू भाई दुख भोग रहे हैं। निंदा नहीं कर रहा हूं मैं, ना अपमान कर रहा हूं, जगा रहा हूं आपको, संभल जाओ अभी, और नहीं तो जग हंसेगा। संभल जाओ अभी भी, वेद शास्त्र सम्मत लोगों से ये कार्य करवाइए, गरुड़ पक्षी का, गरुड़ देवाय का, संभल जाइए अभी, नहीं तो जग पूछेगा, जग हंसेगा। और ये साध्वी, आप अभी रायपुर में चल रहा है क्या आपका शिव पुराण? अशोक सुंदरी देवी के बारे में बतलाइए, गरुड़ पक्षी के बारे में बतलाइए, घर में नर्मदेश्वर, आपको भी लोगों ने बहुत पैसा दिया है, साध्वी मैं जानता हूं आपको, और आप मुझे जानते हैं, मित्तल सुनील है मेरा नाम, शिव महापुराण करते हैं, सत्य बतलाइए, शिव जी में, शिवलिंग में नींबू और सरसों तेल लगा के चढ़ाइए, बतलाइए, वेद शास्त्र अध्ययन कीजिए, नहीं तो अच्छे से। यह वीडियो को एक ग्रुप तक या 10-5 आदमियों तक जरूर 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 भेजें।